रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारा टाइम कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। आज हम कॉम्प्रिहेंशन बी पढ़ेंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक है हमारा वेदर। जैसे कि आपको पता है कि कभी भी वेदर एक सा नहीं रहता, चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे कि अब विंटर्स हैं और इससे पहले समर थी। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 वेदर्स, सनी एंड क्लाउडी। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि सन की जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सर्दियों में हम लोग अंडर द सन बैठना पसंद करते हैं, लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि हम लोग उससे अवॉइड करते हैं, ठीक है, उसकी हीट से अवॉइड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पीपल लव टू सिट अंडर द सनलाइट इन विंटर्स बट अवॉइड द सनलाइट इन समर, ठीक है। वो अपने आप को सेव करने के लिए बाहर नहीं जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होती है, ठीक है। तो ये क्या है? सनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेदर है क्लाउडी। आपको पता है कि जब क्लाउड्स सन को कवर कर देते हैं, ठीक है, तो हर तरफ क्या होते हैं? क्लाउड्स होते हैं। और ये कौन सा मौसम हो जाता है? क्लाउडी, ठीक है। जैसे कि पहले सनी था और अब क्लाउडी है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तूफान आता है, तो क्लाउड्स का कलर क्या हो जाता है? ब्लैक। और जैसे कि क्लाउड्स के कितने कलर्स होते हैं? 2, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी बुक की तरफ। देखें, आपने अपनी मैथ्स की वर्कबुक ओपन करनी है, पेज नंबर 65। आज हमने सिर्फ पढ़े हैं 2 वेदर्स, सनी एंड क्लाउडी, ठीक है। आपने यहाँ पे डेट मार्क करनी है और डे मार्क करना है, सन में भी कलर करना है और क्लाउड में भी। लेकिन आपने कलरिंग बहुत ज़्यादा नीट करनी है ताकि आउट बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। और आप देखिएगा कि जैसे कोई भी आपसे पूछेगा ना कि व्हाट इज़ डे टू डे, कि आज का दिन कैसा है, तो आप इजीली कह सकते हैं इट इज़ सनी टू डे। अगर सनी होगा तो इट इज़ सनी टू डे, क्लाउडी होगा तो इट इज़ क्लाउडी टू डे, ठीक है। आज हमने पढ़े हैं 2 वेदर्स। टेक्स्ट इंशाल्लाह हम बाकी के भी पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। कलरिंग नीट करनी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।